राम राम सारे भैया ने, मैं थारा देसी पत्रकार अजीत, आप देख रहे हैं हरियाणा दमकता पे लाइव। दोस्तों हम आए हैं यहाँ गुग्गा मेडी से पहले कोई स्थान है, नार सिंह राणा बोलते हैं, कैमरा मैन से कहूंगा एक बार दिखाइए सर प्लीज, एक बार चार और दिखा दो आप एक बार कैमरे को घुमा करके। कितना अच्छा स्थान है, कितना सुंदर स्थान है, खाने की दुकानें है, एक निर्माण मंदिर भी है। आइए आ जाओ इधर, आ जाओ फिर आ जाओ। राम राम भाई साहब। भाई साहब कौन से गांव से आए आप? समालका से। समालका कौन सा भाई साहब? करनाल के पास। करनाल के पास, ठीक है ठीक है। यहाँ कौन सा स्थान बताया जा रहा है? ये जी ये उसका जी नरसिंह पीर का। नरसिंह पीर का, चलो। यहाँ गुग्गा मेडी के बाद में पूजा होती है? गुग्गा मेडी पहले होती है। पहले होती है, होती है। उसके बाद फिर गोरठे लगाते हैं। कोई प्रसाद प्रसूद? हाँ प्रसाद चढ़ाता है यहाँ पे। किस चीज का प्रसाद चढ़ता है? प्रसाद चढ़ता है इसका, खील का वगैरह, खील वगैरह प्रसाद। चलो ठीक है, थैंक यू जी। भाई साहब आप बताओ आप कहाँ से आए? मैं जी जिला पटियाला जी छतराना पिंड से हूँ। छतराना पिंड जिला पटियाला, पटियाला पंजाब में। हाँ जी, रोहित कुमार मेरा नाम है जी। रोहित कुमार, रोहित कुमार जी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, ये स्थान है जो नरसिंह पीर जी का है। अच्छा अच्छा, जो गुग्गा मेडी से पहले यहाँ पर मत्था टिकता है। कितने साल से आप यहाँ रहे हो? मैं तो जी पहली बार यात्रा हूँ, वैसे पता है मुझे, नॉलेज है इसके बारे में भी, नरसिंह का स्थान है। बताओ थोड़ा मेरे दर्शन आपको देख रहे हैं। यहाँ पर दुनिया जितने भी है मत्था टेकते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, जो भी है दारू दूर वगैरह भी यहाँ पर बोतल वगैरह चढ़ते हैं, तो प्रसाद है जो खील पतासे इसका प्रसाद चढ़ता है। दारू का, खील का, पतासे का, ये सारा प्रसाद चढ़ता है? सारा चढ़ता है इधर। ये बैरू पे सुना था ये यहाँ। हाँ जी, लग गया पीर पे। हाँ जी, पीर पर तो दारू नहीं चढ़ती पता मैं। नहीं जी, हम चाटते हैं जो आप आपकी मनकी है ना, मनकी। अच्छा, अच्छा, मनकी वो है जो श्रद्धा होती है जैसे वैसे। चलो ठीक है जी, थैंक यू। आओ इधर आओ, आ जाओ। राम राम भाई साहब। कहाँ से आए आप? इधर से आओ जी, इधर करो थोड़ा, इधर प्लीज। कहाँ से आए आप? लाडवा। लाडवा हरियाणा में जी। कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है ये? जानसर। नरसिंह जानसर। जानसर जानसर, ठीक है ठीक है। आज उधर माता बहने से इनसे भी पूछे मैं थोड़ा सा इसके बारे में। इधर से आओ आप। राम राम मंटी जी। कहाँ से आए आप? बाकीपुर से। हाँ जी, बाकीपुर से। थोड़ा जोर से बोलो। बीमार हो आप? बोलो बहन जी। हम भी बाकीपुर से ही आए। बाकीपुर से पंजाब में? नहीं, ये तो लाडवे के पास। लाडवे के पास हरियाणा में, इंद्री लाडवा। चलो कितने साल से आ रहे हैं आप? हम न तो कई साल, तीन चार साल हो गए। खानदान ही आपके यहाँ? मतलब पूरे खानदान से आ रहे हैं? घर पुड्डी आ रहे हो? हाँ। चलो, कोई मन्नत मुन्नत पूरी होती है यहाँ? हुआ है। प्रसाद प्रसूद में क्या चढ़ता है? लड्डू चढ़ा वाले हम तो, लड्डू लूडू। आपके सारे बड़े शुरू से ना प्रसाद चढ़ाते, मतलब लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ इधर भी आओ। सर राम राम भाई साहब। भाई साहब आप कहाँ से हो? जैनपुर। जैनपुर कुरुक्षेत्र से। कितने साल से आ रहे हो आप यहाँ? ये छह साल से आ रहे। छह साल से इधर? छह सात साल से आ रहे। अच्छा अच्छा, भगत जी हो आप? हाँ। अच्छा अच्छा, इसका ये क्या नाम है, किस नाम से प्रसिद्ध है? अगर जो कोई अनजान बंदा आया जाए तो सीधा रास्ता बताओ। नरसिंह के नाम से, नरसिंह दुवान के जानसल माले सीधा। बस में कोई अनजान बंदा आए तो कौन से रास्ते से आए? गुग्गा मेडी जा रहे जो रास्ता। अरे नहीं नहीं नहीं, हम आ रहे करनाल से जी, नीलोखड़ी से करनाल। हाँ जी, करनाल से जैसे युवा हो गया,
कैंसल कैंसल से रोड लग गए और डाणा है ऐसे डाणे से आए सीधे डाणा गुवाणा हाँ जी गुवाणे से सीधा बागर पे बागर से फिर चलो ठीक है जी धन्यवाद हाँ जी भाई साहब कहाँ से आए आप हम नीलोखेड़ी से आए नीलोखेड़ी से वाह भाई वाह सारे नीलो खेड़ी पूरा हरियाणा रहा है इधर मुंह करके बोल थोड़ा पूरा हरियाणा रहा है अच्छा चलो बड़ी अच्छी बात परिवार समेत आ रहे हो के ले रहे हो ठीक है मन्नत मुन्नत पूरी हुई है कुछ मतलब पूरे पुरखों से आ रहे हो तो मतलब आप ही नहीं आए हो नहीं नहीं आए मतलब तो दादे पड़दादे आते हो यहाँ पहले आकर अच्छा पता लग गया होना भाई हमारे दादे पड़दादे जाते थे हमने भी जाना पड़ेगा चलो ठीक है भैया थैंक यू भाई साहब खड़े हो गए राम राम भाई राम राम भाई साहब ये बोल रहे हैं बोल रहे हैं राम राम भाऊजी राम राम भाई कहाँ से आए आप सारे से पंजाब से पंजाब से आए जी पंजाब से आए तो आप मतलब पहले से आते हो नहीं आए हो पहले से आते हैं पहले से हाँ कई साल से अच्छा बड़े बड़े भी बड़े बड़े भी आए हाँ बड़े बड़े भी चलो ठीक है प्रसाद प्रसूत में क्या चढ़ता है यहाँ प्रसाद में रोटी दाल मतलब रोटी भी चढ़ा मेरे को बोल रहा वहाँ बोले यहाँ शराब भी चढ़ती है देसी भी अंग्रेजी भी वो क्या नाम उसको खील का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं हाँ खील का प्रसाद आ जाओ भगत जी राम राम सुनाओ भगत जी आप अपने बारे में बताओ बोले तो आप कहाँ से हो क्या है गांव सोरे वाला से मतलब जोर तो बोलो भगत जी बोल बैठ गए हाँ बोलो बोलो गांव सोरे वाला से गांव सोरे वाला जिला में जिला हिसार हरियाणा में जिला हिसार हरियाणा कितने साल तक भगत जी मैं 20 साल से भगत जी एक बात पूछो आपने तो ज्यादा पता है यहाँ का हमने तो नहीं पता हम तो पहली बार आए हैं भगत जी जो ये शराब स्वरूप की बोतलें चढ़ाते हैं क्या चढ़ती है नहीं चढ़ती है चढ़ती है बाबा इलाका बाबा ही चढ़ती है अच्छा अच्छा कोई कह रहा मतलब भाई वहाँ खीर का भी प्रसाद चढ़ता है खीर का भी लग है अच्छा हर संघ का लग है खीर का प्रसाद अच्छा जो दारू चढ़ती है बच्चों को बाबा की लग है आप कितने दिन से आए हो अभी अब तो कल से आए पहले तो, पांच दिन चार दिन पहले आपसे एक आखिरी बात पूछूंगा क्या पहले गुग्गा मेडी जाना जरूरी है या पहले आना जरूरी है नहीं वो तो श्रद्धा समान है जिसके अंदर बाबा है सुनो मेरी बात है यहाँ भी आओ सरू में यहाँ रहेंगे गुग्गा मेडी जाओ अभी हम अब सुबह आए थे ना हाँ तो रास्ते में कर दे नहीं तो गुग्गा मेरी बाद में जाना पड़े यहाँ मत्था टेकेगा नहीं पहले तो यही मैं मत्था टेक के जिसने चौकी भर ली खुला दिल में यही रहो और जिसने भाई मेड़ी जाना है वहाँ रहना है वहाँ ना रहेगा उड़े भी मत्था टेक है पहले गोरख का मत्था टेकता है गोरख किला है चलो ठीक है भगत जी तो ये थे भाई यहाँ नरसिंह राणा के यहाँ के विचार पब्लिक रेवेन्यू आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर है कोई सलाह देनी है सुझाव देना है आप मेरे पास फोन कर सकते हैं 24 आवर्स पहली कॉल पे आपका फोन उठेगा ठीक है दोस्तों लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को आपका अपना चैनल हरियाणा धमाका चैनल शेयरिंग का तार दो फतूर वीडियो जाए दूर दूर जय हिंद जय भारत वंदे मातरम गुड बाय।